वसल्लम शाह अस्तो हुसैन सुभान अल्लाह, बादशाह अस्तो हुसैन सुभान अल्लाह, दीन अस्तो हुसैन दी पनाह अस्तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद सुभान अल्लाह, आ की बिना ला इलाहा अस्तो हुसैन, नबी सरवरे हर रसूलो वली सुभान अल्लाह, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी रास्तारे मुअल्ला अली है, है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, वो उस राह रवे ला मकां की गली है, है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, वो उस राह रवे ला मकां की गली है, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह खा हर रसूलो वली सुभान अल्लाह, तमन्ना है फरमाए ये रोजे महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, तेरे चारों हमदम या रसूल अल्लाह, तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली सुभान अल्लाह, और शफाअत करे हश्र में जो हमारी सुभान अल्लाह, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह गफलत का शिकार है तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये दीन कितना अहम है, जिसको दीन इस्लाम कहते हैं, जिसको अल्लाह का दीन कहते हैं, जिसको हम अल्लाह अकबर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाजिल किया हुआ मजहब कहते हैं, जिसके बारे में कुरान कहता है इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, रूए जमीन पर और फलक के नीचे इतनी बड़ी कायनात के अंदर एक ही दीन है जिसको दीन इस्लाम कहते हैं। बाकी और जगह आपको कहानियां मिलेगी, किस्से मिलेंगे, गड़े हुई बातें मिलेगी, बेसरो पैर की जो है वो गुफ्तगू मिलेगी, लेकिन हकायक अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस मजहब के अंदर है जिसको आसमान के रब ने, आसमानों के रब ने जमीन पर नाजिल फरमाया है। और वो क्या है? दीन है। दीन इस्लाम क्या है? हजरत आदम दीन इस्लाम ही को लेकर आए, हजरत नूह दीन इस्लाम ही को लेकर आए, हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम ही को लेकर आए, हजरत यूसुफ की दावत, हजरत दाऊद की दावत, हजरत सुलेमान की दावत, हजरत अय्यूब की दावत, हजरत याकूब की दावत, हजरत जुल्किफ्ल की दावत, हजरत उज़ैर की दावत, ये सारे अंबियाए किराम की दावत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत दीन इस्लाम की तरफ थी। ना कोई यहूदी था, ना कोई नसरानी था, ना कोई अल्लाहु अकबर किसी और से ताल्लुक रखता था, हर नबी दीन इस्लाम का दाई था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मजहब के गलबे की बशारत दी है। कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलल दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, कि वो अल्लाह है जिसने दीन हक लेकर अपने नबी आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जलवगर फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ ही साथ ये गैब की खबर भी दे दी कि अल्लाह फरमाता है ये दीन तमाम मजाहिब पर गालिब होकर के रहेगा, तमाम अदियान पर गालिब होकर के रहेगा। मुशरिकीन बुरा मनाते तो मनाते रहे, अब आप अंदाजा करें जिस दीन को हम मानते हैं, जिस दीन का कलेमा हम पढ़ते हैं, जिस आखिरी नबी को हम मानते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूए जमीन पर इस दीन को लेकर के आए, तो अंदाजा करें पूरा माहौल मुखालिफ है, पूरा माहौल खिलाफ में है। अल्लाह हु अकबर, काबतुल्लाह पर 360 बातिल माबूदों का कब्जा हो चुका है, काबतुल्लाह शरीफ पर कितना वो दर्दनाक माहौल होगा, कितना वहशतनाक माहौल होगा, कैसे हालात होंगे। अल्लाह हु अकबर के काबतुल्ला शरीफ पर 360 माबूदा ने बातिल रखे हुए हैं, और अल्लाह हु अकबर इंसानों को देने की बजाय लोग बेजान पत्थरों के नाम पर, बेजान दरख्तों के नाम पर, बेजान माबूदों के नाम पर कुर्बानियां देते हैं, खून बहाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा उनके नाम पे करते हैं। इंसान किस कदर रास्ता भटक चुका था, और वो भी इंसानों में कौन। अल्लाह हु अकबर, काबतुल्ला
बैतुल्ला शरीफ के मुजाविर, काबतुल्ला शरीफ के मुतवल्ली, जिनको आले इब्राहिम कहलाने में फख्र था, वो लोग तौहीद इब्राहिम से दूर हो चुके थे, दीन इब्राहिमी से दूर हो चुके थे। आखिर मशीयत को रहम आता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी को रुवे जमीन पर जलवगर फरमाता है। इसलिए कि मैं अभी मिलाद नहीं पढ़ना मुझे है, मुझे सिर्फ आपके सामने गलबे दीन में मुस्तफा जान रहमत और उनके असहाब की क्या कुर्बानियां रही हैं, थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को जलवगर किया जाता है, अल्लाह अकबर। लेकिन अब यहां से थोड़ा सा आपकी तवज्जो इस तरफ भी हो, जिसको सबका कायद, जिसको नबीउल अंबिया, जिसको सैयदुल अंबिया, जिसको कायनात की खुशियों का मरकज, जिसको कायनात की खुशियों का महवर, जिसको कायनात के दिल का सुकून, जिसको कायनात के दिल का करार, जिसको कायनात की आंखों की ठंडक, जिसको कायनात की रूह, जिसको कान जाने कायनात, जिसको शाने कायनात, जिसको अजमत कायनात, बल्कि जिसके लिए कहा गया लाओ ला कलमा खलकतुल अफलाक वल अर्दीन, अगर आपको पैदा करना न होता तो ना हम जमीनें पैदा करते ना आसमान पैदा करते, बल्कि एक मकाम पर यहां तक फरमाया अगर तुम्हें पैदा करना न होता तो हम अपनी रुबूबियत का इजहार भी न फरमाते। कुंतु कंजन मख्फियन फअबतु अराफा व नफखतु फी मिन रूही, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, जब हमने चाहा कि हमें पहचाना जाए तो हमने जाने इंसानियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह अकबर, तो मुस्तफा जान रहमत जमीन पे तशरीफ लाते हैं, लेकिन आप अंदाजा करें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अब के हवाले से, यानी वालिदे बुजुर्गवार के हवाले से यतीम पैदा किया जाता है। अल्लाह अकबर, अम्मी के पास सिर्फ 2 साल बतौर सोहबत रहते हैं और माँ भी फिर दुनिया से चली जाती है। आइए उसकी कुछ एक हल्की सी झलक पेश करूं, आपको वालदा की सोहबत सिर्फ 2 साल में असर आई और फिर वालदा का विसाल हो गया। दादा की तरबियत में दादा के हवाले से, परवरिश के हवाले से दादा के पास आए तो उसके ठीक 2 साल के बाद दादा भी दुनिया से चले जाते हैं। आप अंदाजा करें यतीमी पर यतीमी है, लेकिन हम ये नहीं कहते दागे यतीमी, इसलिए कि जिसको सैयदुल मासूमीन बनाया गया हो वहां दाग का कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोगों को दागे यतीमी नहीं बल्कि दुर्रे यतीमी कहते हैं। अल्लाह वो अब्दुल्ला और आमिना का दुर्रे यतीम, यतीमों के अंदर मोती है, अल्लाह अकबर, और वो ऐसा मोती है खुदा की इज्जत की कसम, सदफ में पानी का कतरा उन मोतियों का उस मोती का तसव्वुर करता है तो खुदा उसे मोती बनने की सलाहियत अता कर देता है। दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खतन फूल। अल्लाह अकबर, मेरे और आपके आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माँ के हवाले से शिकमे मादर में मौजूद हैं और वालिदे बुजुर्गवार दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हो दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, शिकमे मादर में सिर्फ 2 माह के हैं। आपको अब से पूछना चाहता हूं आखिर महबूब को यतीम पैदा करने में हिकमत क्या थी। मेरे एक दोस्त ने अपनी एक दास्तान मुझे बताई, जब उसने दास्तान बताई तो मैं उस दास्तान को सुनने के बाद मुस्कुराने लगा। उसने मुझे गुस्से से कहा तुझे मेरे दर्द का असर इसलिए नहीं है कि तू इस रास्ते से कभी गुजरा नहीं है। वो दास्तान क्या थी मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है उसने जब अपनी दास्तान सुनाई मैं गुर्बत की दास्तान सुन के रोया, लोगों की यतीमी की दास्तान सुनकर आंख में आंसू आए, लेकिन उसकी जो दास्तान थी दर्द दिल था उसका तड़पना था बिलकना था, लेकिन मैं उस पर मुस्कुरा रहा था। वजह यह थी कि जिस रास्ते से वो गुजर कर बिलबिला रहा था उस रास्ते में हमने कभी कदम ही नहीं रखा था। वो रास्ता क्या है, उसकी दास्तान क्या है, इख्तिसार के साथ हजरत सैयदना शाह नियाज बेनियाज के जो है वो 2 मिसरों के दरमियान अहले अक्ल और अहले खिरत के जहां इशारों के तौर पे बता दूं कि बुल हवस पाओ न रखियो इस राह के बीच, इश्क है ये राह गुजरे आम नहीं। अल्लाह हो अकबर, तो मैंने कभी उस राह में कदम ही नहीं रखा तो इसलिए मुझे जो है वो बहुत हल्की सी बात मालूम है। उसने गुस्से से कहा तू मेरा दर्द इसलिए नहीं समझ सकता कि तू इस रास्ते से गुजरा नहीं। यकीन जाने तब मुझे
एहसास हुआ कि अल्लाह ने महबूब को यतीम इसलिए बनाकर भेजा कि वो यतीमों के मावा बनकर आए थे, यतीमों के गमगुसार बनकर आए थे, बेवाओं का सहारा बनकर आए थे। इसलिए बेवा माँ की गोद में जलवगर फरमाया, क्योंकि इंसान अगर भूख से आशना न हो तो वो किसी की भूख का एहसास नहीं कर सकता। इंसान अगर प्यास से आशना न हो तो वो किसी की प्यास के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम की विलादत होती है इस शान से कि आप अल्लाह अकबर वो वालिदे बुजुर्गवार के विसाल के ठीक 7 माह के बाद कमोबेश दुनिया में तशरीफ लाते हैं। दादा चचा आपको प्यार देते, मोहब्बत देते, माँ प्यार देती है और हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। 4 साल तक हलीमा सादिया के घर रहते हैं और उसके बाद 4 साल के बाद जब अल्लाह के रसूल अपने घर आते हैं तो 6 साल की उम्र होती है और मकाम अबवा में सैयदा आमिना खातून जो है वो दुनिया से तशरीफ ले जाती है। मैंने बार बार सैयदा आमिना खातून के वफात के वाकयात आपके सामने पड़े हैं और आपने बार बार सुना है, उसकी तरफ भी जाना नहीं, सिर्फ इशारा देना चाहता हूँ उसका भी, ताकि आप हमारे साथ मकासिदे करबला और करबला के वजूहात और करबला क्यों वाकई हुआ उसकी तरफ पहुंच सके। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम 8 साल की उम्र तक दादा के पास रहते हैं, दादा भी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। कितने जनाजों के पीछे अल्लाह के रसूल ने मासूम बचपन में आंसू बहाए हैं। तसव्वुर में हम देखते हैं मक्के में एक जनाजा उठता है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जनाजे के पीछे जहां उनके बेटे चल रहे हैं वहीं पर एक मासूम 8 साल का जारो कतार रोते हुए हुस्न को शर्माते हुए चल रहा है। जैवो फितरत पूछती है ये कौन है तो कहने वाला कहता है ये दादा का जनाजा है और पीछे रोते हुए जाने वाला अल्लाह अकबर कोई और नहीं है बल्कि जो 2 मरतबा यतीम हो चुका है 3री मरतबा यतीमी की याद ताजा हो रही है। इसलिए दादा के जनाजे पीछे रो रहा है। रोने वाले का नाम क्या है? रोने वाले का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, जिसके लबों पर हमेशा तबस्सुम रहती है, जो दुनिया को मुस्कुराने का शऊर देने के लिए आया है, जो दुनिया को मुस्कुराहटें बांटने के लिए आया है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उसके बाद 8 साल की उम्र में दादा के विसाल के बाद मुशफिको मेहरबान चचा हजरत अबू तालिब के सुपुर्द कर दिए जाते हैं और फिर हजरत अबू तालिब जो है 8 साल की उम्र से लेकर के शादी तक और शादी से लेकर के अल्लाह अकबर तकरीबन कमोबेश 52 साल की उम्र तक अपने भतीजे का साथ देते नजर आते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर मुस्तफा जान रहमत मंजिल मंजिल जो है वो 25 साल की उम्र को पहुंचते हैं और 25 साल की उम्र में अल्लाह अकबर जो खातून मलके तुज्जार कहलाती थी, मलिकतुल अरब कहलाती थी, यानी सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हा, उनके साथ निकाह होता है और सैयदा खदीजा के साथ निकाह हो जाता है। वो वफाशियार खातून जो 2 मरतबा बेबा हो चुकी थी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ उनका निकाह हो जाता है और फिर अल्लाह अकबर वह ऐसी मुकद्दस खातून थी कि अपने चचा भाई वर्का बिन नौफल से आसमानी किताबों के उलूम हासिल किए थे और वो बेहतरीन जो है वो शायरा भी थी, शेर कहना जानती थी। मुस्तफा जान रहमत के हरम में आई और ऐसी वफा शियार थी, लोग गारे हिरा पर 1 मरतबा चढ़ते हैं तो उसी सफर में 2री मरतबा चढ़ने की हिम्मत नहीं करते, मगर कुर्बान उस मुकद्दस खातून की वफा को जो 1 दिन में 2-2 मरतबा मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत में गारे हिरा पर चढ़ती है, जबल नूर जिसको कहते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने माशरे के परागंदा माहौल से जो है वो बेचैन होकर बेकरार होकर जबल नूर पर जाते हैं और वहां बैठकर खुदा का जिक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। आप अंदाजा करें अल्लाह अकबर, अभी कुरान तो नाजिल नहीं हुआ, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इबादत कैसे करते हैं, अल्लाह का जिक्र कैसे करते हैं, खुदा को याद कैसे करते हैं? तो अच्छी तरह याद रखें, हमारे अकीदे में अल्लाह का जो रसूल होता है
जो नबी होता है ऐलान नबूवत से पहले भी मासूम होता है और ऐलान नबूवत के बाद भी जो है वो मासूम होता है। ऐलान नबूवत से पहले उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता और ऐलान नबूवत के बाद भी सरजद नहीं होता, इसलिए कि मशीयत इलाही उनको तहफ्फुज़ फराहम कर रही होती है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने बुतों की कभी पूजा नहीं की। अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के रसूल हैं, यारे गारे मुस्तफा सिद्दीक अकबर ने कभी बुतों की पूजा नहीं की, मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली के मुर्तजा ने कभी बुतों की पूजा नहीं की। ऐसी हस्तियां अरब में थी, अल्लाह के रसूल की शान तो बहुत बुलंद है। हुजूर अलैहिस्सलाम गारे जो वो गारे हेरा पर, गारे हेरा पर जिसको हम लोग जो है जबले नूर कहते, जबले नूर कहते, गारे हिरा का जो पहाड़ का नाम है जबले नूर है और उसमें जो गार है उसको गारे हिरा कहते हैं। तो गारे हिरा के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम बैठते थे। मैंने सोचा गार में इस गार का क्यों इंतखाब किया, इसलिए कि और भी गार मक्के में थे। तो जब उस गार के अंदर गया तब मुझे उसका पता चला कि गारे हिरा का इंतखाब करने में हिकमत ये थी कि गारे हिरा में बैठ कर काबतुल्ला पर साफ नजर पड़ती थी, यानी काबतुल्ला शरीफ नजर आता था। बहरहाल हजरत सैयदा खदीजा ने जो है वो खिदमत की और बहुत खिदमत की। 15 साल तक रसूलुल्लाह की जिंदगी की स्टडी की, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला किया। उस वक्त तक सीरत की कोई किताब तो थी नहीं, लेकिन दुनिया सीरत पढ़ के हुजूर से मुतासिर होती है। खदीजा उस अजीम कारिया का नाम है जिसने सीरत की किताब नहीं बल्कि साहिब सीरत को अपनी माथे की निगाहों से देखा, उनका चलना देखा, उनका बोलना देखा, उनका उठना देखा, उनका बैठना देखा, उनका सोना देखा, उनका जागना देखा, रिश्तेदारों के साथ सुलूक देखा, हमवतनों के साथ सुलूक देखा, यतीमों के साथ सुलूक देखा, बेवाओं के साथ सुलूक देखा। एक इंसान को सबसे ज्यादा उसकी बीवी जानती पहचानती है, जो बीवी को मुतासिर कर ले मेरी नजर में उससे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता। कुर्बान जाए अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मजमे में अगर ऐसे अल्लाह वाले मौजूद हो तो मुझे माफ करना। इंसान पूरी दुनिया को मुतासिर करता है लेकिन घर में बीवी को मुतासिर नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि स्टेज पर 2 घंटे आंख बंद करके सर झुका के बैठना आसान है, लेकिन घर के अंदर की जिंदगी तो सबसे ज्यादा जो जानता है उसको बीवी कहते हैं। बीवी इंसान के जिस्म पर हाथ पर काला निशान है कि सफेद निशान है, सीने पर बाल है या नहीं है, और भी चीजें सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो उसको बीवी कहते हैं। कुर्बान जाए ये मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का रोशन तरीन बाब है कि जब अल्लाह के रसूल पर पहली वही आती है तो सबसे पहले जो नबुव्वत का इकरार करता है वो कोई और नहीं है हुजूर की जिंदगी को 15 साल तक देखने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा की साथ है। और सैयदा खदीजा ने पहली वही के वक्त में जो अपनी राय का इजहार किया था, आका अलैहिस्सलाम ने जब कहा जम्मिलूनी जम्मिलूनी मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ, तो आका से पूछा क्या आप फरमा रहे हैं, बात क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे अपनी जान का खतरा है। जान का खतरा क्यों है? लोग कहते जिब्रील देख जिब्रील को देखकर डर गए। याद रखिए मैं इन अब बातों को मैं बहुत पहले इसी शहर में कई नुक्कड़ों पर चौराहों पर मैं बयान कर चुका हूं, लेकिन उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि दिमाग की कड़ियां वहां जुड़ जाए। जाहिर सी बात है 25 साल 20 साल 15 साल पहले जो लोग हमारी महफिल में शरीक होते थे, अब वो लोग तो बहुत सारे लोग बुढ़ापे की तरफ गए हैं और जो उस वक्त पैदा हुए थे वो बिल्कुल जवान हो गए हैं। तो जिनको पता है उनको याद हो जाए, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। कहते जिब्रील देख करके डर गए थे इसलिए कहते थे जान को खतरा है। हमने कहा अल्लाह अकबर। कुरान कहता है सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना अल्लाह अकबर फऔहा इला अब्दिहि मा औहा। उनकी शान ये है कि वो जिब्रील के खुदा को टिकटिकी बांध कर देखते हैं। कुरान कहता है मा ज़ाकल बसर व मा तगा, खुदा को टिकटिकी बांध के देखते हैं, वहां बेहोश नहीं होते। तो जिब्रील को देख करके क्यों डरते? क्योंकि हमारे अकीदे में जिब्रील सैयदुल मलाइका है, लेकिन हम कहते हैं जिब्रील खातिमुहू।
सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। जिब्रील उनके खादिम का नाम है, और खादिम का नाम क्यों ना हो, इसलिए कि मखदूम की सवारी की लगाम थामने वाले को तो खादिम ही कहा जाता है। और शबे मेराज हजरत जिब्रील ने लगाम थाम करके बता दिया, जिब्रील सैयद और सरदार मलाइका जरूर है, लेकिन आमिना के लाल की खिदमत करके बता रहा है कि जिब्रील खादिम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खादिम को देखकर भी मखदूम को भी डरता है, जान का खौफ क्यों था? अर्ज इशाद हुआ, मुझे अपनी जान का डर है। जान का डर इसलिए था कि जिम्मेदारी इतनी बड़ी आ गई है। अब आपकी तवज्जो, ये जो मैंने गलबे दीन की बात शुरू की ना, खदीजा जिम्मेदारी इतनी बड़ी आ गई है कि माँ के साथ जिना करने वालों को मलाइका का तकद्दुस देना, कौन सी जमीन है ये? जानवरों के साथ अरब के लोग बदकारियां करते थे, तारीख उठा गया। माओं के साथ बदियां करने वाले लोग भी उस जमीन पे मौजूद थे, काबे का तवाफ नंगे होकर करते, उनके लिए हज वगैरह की तारीखें अपनी मर्जी से महीना तारीख बदल देना कोई मुश्किल काम ना था। वो अपनी सहूलत से आगे बढ़ा देते थे सारे मामला, महीने महीने बदल देते थे। तबीयतों के गुलाम थे, उनके नजदीक कमजोरों पे जुल्म करना कोई ऐब न था।